जय हिंद। आप देख रहे हैं चैनल आई टीवी लाइव वेब न्यूज, मेरे मित्र मैं हूं आपके साथ नवेद खान। देखिए खास खबरें। हम मेरठ मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार सुबह एसी के ब्लास्ट होने के बाद गायनी वार्ड के ऑपरेशन थिएटर में आग लग गई। आग का विकराल रूप आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। तीसरी मंजिल पर आग लगने से पूरी बिल्डिंग में धुआं भर गया। ये मेडिकल कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग है। बताया जा रहा है कि 2 AC की क्षमता वाली वायरिंग से 6 AC चलाया जा रहा है, तो इसी वजह से शॉर्ट सर्किट और लोड बढ़ने से ब्लास्ट के साथ AC फट गया। आपको बता दें मेरठ मेडिकल कॉलेज के जिस 4 मंजिला इमारत में आग लगी है, दरअसल वो पूरी OT कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर पर जनरल OT, सेकंड फ्लोर पर ENT OT और थर्ड फ्लोर पर गायनी OT है। आग इसी फ्लोर पर लगी है। हालांकि आग में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि सभी OT 8 बजे के बाद शुरू होते हैं, लेकिन आग उससे पहले करीब 6 बजे लगी। इस दौरान मरीज भी नहीं थे। मेडिकल कॉलेज में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची। फायर फाइटर्स ने बिल्डिंग के बाहर और अंदर दोनों तरफ पानी फेंका, जब कहीं जाकर आग बुझी है। ब्लास्ट के बाद तुरंत बिल्डिंग में मेडिकल सेफ्टी इक्विपमेंट, बेडरोल, ऑक्सीजन सिलेंडर को भी मेडिकल स्टाफ ने बाहर निकाला। आग लगने से बाद पूरा कॉम्प्लेक्स में धुआं इतना भर गया कि बिना मास्क लगाए वहां खड़ा होना मुश्किल था। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अंदर भरे हुए धुएं से बाहर फेंकने के लिए स्मोक ऑब्जर्वर लगवाना पड़ा, ताकि अंदर से भर जो धुआं है वो वेंटिलेट हो सके। मौके पर थोड़ी देर बाद मेडिकल अस्पताल प्रिंसिपल RC गुप्ता पहुंचे। चीफ फायर ऑफिसर संतोष राय ने बताया कि 4 फ्लोर के अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर में आग लगी है। मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां भेजी गई और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। कोई जनहानि नहीं हुई है। आग शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी, जो बाद में AC तक पहुंची। वहीं मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल RC गुप्ता ने बताया कि अस्पताल का OT कॉम्प्लेक्स है, गायनी OT के AC में आग लगी है। OT 8 बजे शुरू होती है, आग उससे पहले लगी है, इसलिए किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। कितना नुकसान हुआ ये कहना भी मुश्किल है। आग कैसे लगी इसकी अभी जांच की जाएगी।